जो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने पहले कहा यूनिक है, फिर कहा यूनिक नहीं है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। प्रूव टू इक्वल टू वन, क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव कर देना है, साबित करना है कि टू वन के इक्वल होता है, जस्टिफाई करना है। तो क्या ये यूनिक है? अभी तो लग रहा है देखने की यूनिक ही है, लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्या बहुत सारे? कभी आया था जीरो इक्वल टू वन प्रूव करो, कभी टेन इक्वल टू जीरो प्रूव करो, कभी थ्री इक्वल टू वन प्रूव करो। तो ये पजल ग्रुप में आते हैं, टीचर बच्चों से पूछते हैं कभी ऐसे ही, बच्चे बच्चों से पूछते हैं, बच्चे टीचर से पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ अभी कल हुआ क्या, एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर टू इक्वल टू वन प्रूफ हो सकता है कि नहीं सकता है, सही है या नहीं। तो मैंने कहा यार सही नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता। उसके बोला मेरे दोस्त ने प्रूफ किया था और हो सकता है ऐसा। तो मैंने उसे बता दिया कि कैसे हो सकता है और उसके दोस्त ने कैसे प्रूफ किया होगा और उसमें क्या क्या है। तो मैंने जो उसको बताया तो सबको बता दूं, क्यों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आते हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर मेरे पास आया टू इक्वल टू वन ही आया। तो मैंने सोचा कि उनको बता दूं, सबका क्लियर हो जाए, और जिनके मन में उनका क्लियर होगा, और जिनके मन में है ही नहीं है क्वेश्चन, उनको पता चल जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए समझते हैं। गुड मॉर्निंग, आप पहुंच चुके क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, मैं हूँ आपका अनिल सर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, लेट एज्यूम ए एंड बी आर टू वेरिएबल। मैंने क्या मान लिया ना कि ए और बी दो वेरिएबल हैं, और कैसे हैं वो वेरिएबल, ऐसे रहें कि ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों वेरिएबल एक दूसरे के बराबर है, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, याद रखना है ए इक्वल टू, क्योंकि बाद में जब नहीं आएगा बोर्ड में नहीं समा पाएगा तो मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है ना, तो ए इक्वल टू बी है। अब क्या है, हम दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की तरफ अगर एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर ही रहता है ना, ये तो पता है हम लोगों को। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से बोथ साइड, एलएचएस आरएचएस दोनों पे, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू बी। मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स, देख सकते हो मैंने यहां लिख दिया है। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, अब यहां तो सबस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या सबस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बी स्क्वायर, वो भी दोनों साइड, दोनों साइड अगर सबस्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी वैल्यू क्या रहती है, बराबर रहती है। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं सबस्ट्रैक्ट बी स्क्वायर From both side. ये डिफरेंस का तो आप यहाँ लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से। अब क्या है, बस इसी बात को हमें सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a plus b into a minus b, ये फॉर्मूला होता है a square minus b square का, a plus b into a minus b, और यहाँ पे b कॉमन बाहर निकल गया तो क्या हो गया b a minus b, b into a minus b। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो वैल्यू आया उसमें a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है ना। कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू बी, वेरी इजी है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू बी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या था, a इक्वल टू बी, मतलब b इक्वल टू a, a का वैल्यू b की जगह लिख सकते हैं, b का वैल्यू a की जगह लिख सकते हैं। तो मैं a की जगह b लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं a इक्वल टू b, a की जगह मैं क्या लिख दिया, b लिख दिया। तो b प्लस b इक्वल टू b, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट के हवाले से, और क्या आ गया 2b इक्वल टू b, b से b कैंसिल आउट हो गया और क्या हो गया 2 इक्वल टू 1 हो गया है ना, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ हो गया क्या, तो प्रूफ हो चुका है 2 इक्वल टू 1 नहीं। तो आप देखो कोई मिस्टेक है क्या, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सही है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप एक बार जान लो, आप और बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ऐसा होता 2 इक्वल टू 1 हो जाए, 10 इक्वल टू 0 हो जाए, 1 इक्वल टू 0 होने लगे तो मैथमेटिक्स दुनिया में भूचाल आ जाएगा, खत्म हो जाएगा मैथमेटिक्स। नहीं, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है 2 इक्वल टू 1 हो जाए,
अब उसको जाने दो, गलती का प्रूफ तो कर लिया हमने, यस बच्चे ने नहीं कहा था कि उसके दोस्त ने ऐसे प्रूफ कर दिया, नहीं। तो इसमें गलती क्या है, गलती बता दीजिए ना, ये प्रूफ क्या सही हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो चलिए गलती ढूंढते हैं इसमें क्या गलती। देखो गलती कैसे स्टेप में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किस में, सिक्स में, सेवंथ में, कहां है गलती, वो है इस स्टेप में। क्या लिखा है मैंने, फिर से लिखता हूं मैं, मैंने लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी। जब मैं कहता हूं ए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, नहीं, जब मैं कहता हूं ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो असल में मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए माइनस बी से वो दोनों क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, कि हम a माइनस बी से इसको भी डिवाइड करें LHS को भी और a माइनस बी से RHS को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही संख्या से LHS और RHS को डिवाइड करने पर वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो आपने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू बराबर हो गई, नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या किसी संख्या को बराबर करने के लिए हम जीरो से डिवाइड कर देंगे क्या, हाँ, जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा कर देंगे क्या कि सेवन को फाइव से बराबर करना है तो सेवन इंटू जीरो, अब फाइव इंटू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, उसमें सेवन इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं होता है भाई, ये पागलपंती हो जाएगी ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम जीरो से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो आप पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, जीरो तो कहीं है ही नहीं, है जीरो दिख नहीं रहा है पर है जीरो, और वो जो है जीरो कहाँ है जीरो, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए इक्वल टू बी था, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, और मतलब ए माइनस बी का वैल्यू जीरो है, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कैंसिल आउट, क्या कर सकते हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, जीरो से, क्या जीरो से डिवाइड करके बराबर कर देंगे, नहीं ना। तो यही आप गलती है कि जब जीरो से किसी को डिवाइड करके बराबर नहीं कर सकता LHS RHS को। अच्छा तो आप समझ गए ना गलती क्या है, प्रूफ हो गया ये। चलो एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, किसी ने कहा जीरो से डिवाइड की जीरो कितनी चर्चा चल रही है, तो ये जान लो कि जीरो से किसी संख्या को डिवाइड क्यों नहीं कर सकती है, प्रूफ हो चुका, ये खत्म हो चुका, जस्टिफाई मैं कर चुका। अगर आपको सिर्फ इतना ही जानना था तो आप वीडियो को बंद कर सकते हो, जा सकते हो, अगर आपको और जानना है तो लास्ट तक देखो। क्या मैं बता रहा हूं, संख्या को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखो कोई संख्या, मैं आपको अगर आपको जीरो का पूरा जानना है कि संख्या को जीरो से डिवाइड करने में क्या होता है क्या नहीं होता, जीरो का वैल्यू क्या है क्या, मतलब जीरो का बहुत सारा चीज है, बहुत सारे उसके अलग, जीरो बाकी संख्याओं को बहुत अलग है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी अलग से वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। मैं यहाँ पर बस इसको यहाँ बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में जीरो का क्या रोल था, उसके संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक LHS था और एक RHS था, है ना, दो टर्म थे। तो LHS RHS में क्या कहता हूँ, संख्या से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं दोनों में, तो टर्म क्या आता है, बराबर हो जाता है। तो जीरो से भाग क्यों नहीं दे सकते, है ना। तो देखो जीरो से भाग देने का मतलब क्या है कि टर्म बराबर है, टर्म उतना ही वैल्यू आ जाए, मतलब अगर हम किस संख्या को किस संख्या से गुणा करते हैं, कहते हैं किस संख्या से गुणा कर दिए, थ्री से गुणा कर दिया हमने, तो वापस से थ्री से मैं जब डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे वही संख्या मिल जानी चाहिए, तभी तो हम कहते हैं टर्म बराबर रहता है, नहीं, समझ रहे बात को। तो क्या है मेरे पास, मान लीजिए एक नंबर है फाइव, है ना, फाइव को हम सेवन से क्या करें, डिवाइड करें, और सेवन से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसी संख्या से डिवाइड भी कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर फिर से हमें क्या मिल गया, मेरा ओरिजिनल 5 मिल गया। उसी तरह मान लीजिए कोई x नंबर है, उसे हम क्या करें, y से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास नंबर क्या था, x, नंबर हमारा x है, उसे y से डिवाइड करें, फिर y से मल्टीप्लाई करें, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, x, नहीं, तो मल्टीपल इनवर्स तो मिल गया हमें। लेकिन अगर आप मान लो इस संख्या को x से कोई संख्या, उसको आप क्या करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो से गुणा करोगे, तो क्या आपको मिलेगा x, मिलेगा x, नहीं, जी नहीं, आपको x नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लड्डू, मतलब जीरो, है ना, जीरो मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जीरो मिलेगा क्या मतलब, कि ये अपनी प्रॉपर्टीज को अलग तरीके से शो कर रहा है, मतलब आप किसी संख्या को LHS को आप जीरो से डिवाइड करते हो वैल्यू ही पूरी जीरो हो जाती है, नहीं,
मल्टीपल इनवर्स के साथ देखते हो तो जीरो हो जाती है, लेकिन जीरो, अच्छा ये भी क्वेश्चन है क्या कि संख्या को जीरो से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या होगा? नहीं तो यहाँ तो डिवाइड नहीं कर सकते है ना, पहले से सारे चीज तो आप समझ गए। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है और तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बाकी आपको जो कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी के लिए अगले वीडियो तक का इंतजार करो।